मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सावरिया मेरे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज सुबह के सभी कार्य हो चुके हैं, बच्चे उठ गए हैं, स्नान हो गया है, श्रृंगार हो गया है, नाश्ता हो गया है। तो आप सभी करिए श्रृंगार दर्शन। और आज का जो व्लॉग है, आप जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सभी ने आज वही नए वस्त्र पहने हैं जो मैंने बनाए थे। और मैंने आपको बताया था कि मैं कॉटन के बहुत सारे अलग अलग रंगों के कपड़े लेकर आई थी, जिससे मैंने अपने सभी बच्चों के लिए, जो ये ब्लू कलर का है ये कॉटन का, क्योंकि गर्मियां आ गई हैं तो प्रभु को भी कॉटन ही अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है ना। तो ये नई ड्रेस बनके तैयार हो चुकी है, तो आप श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। माधव के इनकी लिपस्टिक रोज छूट जाती है, कृष्ण के और हमारी प्यारी सी लाडो रानी के, राधा रानी के। तो मैंने पहले आपको जो बच्चों ने कल ड्रेस पहनी थी मेहरून रंग की, वो बताई थी। और यदि आप भी 1 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर और 12 इंच युगल सरकार की वस्त्र की कैसे बनाए जाते हैं मेजरमेंट के साथ पूरा, अगर आप चाहते हैं कि मैं बना के आपको व्लॉग दिखाऊं, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, तो मैं एक व्लॉग ज़रूर बताऊंगी मेरे छोटे छोटे से, क्योंकि जो मेरे लड्डू हैं घर में मैं उन्हीं के साइज़ का बता पाऊंगी। थोड़ा सा दूसरे साइज़ भी उसके अकॉर्डिंगली आप उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा एक एक इंच का फ़र्क होता होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। तो सभी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं नए वस्त्रों में, और पता है बिल्कुल कॉटन है, मतलब मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है। माधव को देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, और वहीं पे देख लो कृष्णु को भी। और रानी का तो मैं क्या कहूँ, रानी के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं होते हैं, है ना। तो कैसे लगे आपको आज जो बच्चों ने नए वस्त्र पहने हैं ज़रूर बताइएगा। और यदि आप भी 1 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर और 12 इंच युगल सरकार की ड्रेस का मेजरमेंट आप चाहते हैं और आपको सिलाई करनी आती है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं जल्दी एक बहुत अच्छा सा वीडियो आप सभी के लिए बनाऊंगी। तो आप एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए हमारे माधव के, कृष्णु लाला के, मेरे छोटे से बच्चे के और मेरी लाडो रानी के। हरि बोल।